दोस्तों, जब मोबाइल वीडियो एडिटिंग की बात आती है तब हमें मेनली दो ही वीडियो एडिटर्स याद आते हैं। उसमें से एक है काइन मास्टर, दूसरा है पावर डायरेक्टर। लेकिन आज हम और दो ऐसे वीडियो एडिटर्स देखेंगे जो कि उतने आप पॉपुलर नहीं मान सकते, फिर भी वो काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर लेते हैं सिर्फ अपने मोबाइल के जरिए। इन चारों वीडियो एडिटर्स की जो अच्छी बातें हैं और जो थोड़ी सी कम अच्छी बातें हैं, इन दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स निकल के रखे हैं जिनके बेस पर हम इन चारों वीडियो एडिटर्स को जज करने वाले हैं। तो देखते हैं इनमें से कौन अपने बातों पे खरा उतर पाता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है यूआई। यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पे हमें देखना है कि किस वीडियो एडिटर का यूज़र इंटरफेस सबसे इजी है और सबसे फास्ट है, सबसे ऑप्टिमाइज्ड है, कि जो बिल्कुल मतलब कम स्पेसिफिकेशंस वाले फ़ोन में भी अच्छे से वर्क कर सके। तो यहाँ पे मैंने यूआई के कुछ पॉइंट्स निकाले। सबसे पहले हम बात करते हैं काइन मास्टर की। तो काइन मास्टर में जो यूआई है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी हम अपने मोबाइल को ऐसे हॉरिजॉन्टली पकड़ के उसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो यूज़र इंटरफेस सबसे ईजी तो मुझे काइन मास्टर का ही लगा, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पे अपर लेफ्ट साइड में एक डिस्प्ले आ जाता है जिसमें हम अपनी एडिटेड वीडियो देख सकते हैं। नीचे हमें टाइमलाइन मिल जाती है जिसमें हम अपने वीडियोस सब कुछ वहाँ पे लगाकर हम उनके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं, और राइट साइड में उसके सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर कोई नया बंदा है जिसको उतनी एडिटिंग की नॉलेज नहीं है, फिर भी वो देख देख करके ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो यूज़र इंटरफेस तो काइन मास्टर का सही है। और काइन मास्टर की तरह जो पावर डायरेक्टर है उसका भी जो यूआई है वो ऐसा है हॉरिजॉन्टल पकड़ने का है, और मोस्टली दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज है। दोनों में हमें सेम जैसा यूआई मिलता है काइन मास्टर में, वैसे ही सेम आपको देखने मिलेगा पावर डायरेक्टर में। अभी बात करते हैं फिल्मोरा गो और वीटा की। तो इन दोनों में आपको वर्टिकली यूआई मिलता है, यानी आपको वीडियो एडिटिंग के लिए बीच में एक सेंटर में आपका आउटपुट दिखेगा, आउटपुट का डिस्प्ले, और नीचे आपको टाइमलाइंस मिलेंगे, और उससे भी नीचे बिल्कुल जो लास्ट लेयर है वहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो अगर आपको स्ट्रेचिंग करना है अपना कोई लेयर, या फिर कहीं पे थोड़ा सा बिल्कुल माइन्यूट सा कट करना है, तो उसमें ये जो वर्टिकल वाला है वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है जो हॉरिजॉन्टल है उसके मुकाबले में। तो इस पॉइंट पे तो क्लियर विनर है हमारे काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर। सेकंड हम बात करते हैं एस्पेक्ट रेशियो की। तो इन चारों ही एडिटर्स में आपको हर एक स्टाइल का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है, फिर वो चाहे 16:9 हो या फिर वर्टिकल यानी 9:16 हो, इंस्टाग्राम के लिए 1:1 हो, या फिर सिनेमा का 21:9 हो। तो इन सारे एडिटर्स में, लेकिन फिल्मोरा गो को छोड़ के, वीटा, पावर डायरेक्टर और काइन मास्टर में, इन तीनों में ही हमें ऑलमोस्ट सारे हमें एस्पेक्ट रेशियो मिल जाते हैं। थर्ड पॉइंट है क्रोमा की, या फिर आप इसे कह सकते हो ग्रीन स्क्रीन। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ग्रीन स्क्रीन लगा के हमें उसके ऊपर कोई बैकग्राउंड चेंज करना होता है, तो ग्रीन स्क्रीन होना उस वीडियो एडिटर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जो तीन वीडियो एडिटर्स है, जो कि है काइन मास्टर, वीटा और पावर डायरेक्टर, इन तीनों वीडियो एडिटर्स में क्रोमा की या फिर ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन है, लेकिन फिल्मोरा गो में कोई भी ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन नहीं है, यानी आप अपनी बैकग्राउंड को चेंज फिल्मोरा गो में नहीं कर सकते। सो अगर आप क्रोमा की यूज़ करते हो तो फिल्मोरा गो फिर आपके कोई काम का नहीं है, तो आप फिर काइन मास्टर या फिर पावर डायरेक्टर या फिर वीटा यूज़ कर सकते हो। इसमें भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैंने ये तीनों वीडियो एडिटर्स काफ़ी दिनों के लिए यूज़ किए, उसके बाद मैंने देखा कि काइन मास्टर के हिसाब से भी पावर डायरेक्टर और वीटा, ये दोनों ऐप्स में जो क्रोमा की का ऑप्शन है वो काफ़ी सही और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। यानी अगर आप नॉर्मल काइन मास्टर में कोई एडिट करोगे और कहीं पे अगर ग्रीन के थोड़े से डार्क शेड्स है, कहीं पे जैसे हो जाता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो कॉर्नर्स होते हैं उनमें आप देखोगे कि जो थोड़े से डार्कर पार्ट्स होते हैं ग्रीन के, तो वो काइन मास्टर में उतने अच्छे से ट्रैक नहीं हो पाते, लेकिन वीटा और पावर डायरेक्टर में जो ट्रैकिंग है क्रोमा की का वो काफ़ी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं लेयर्स के ऊपर। तो हम अपने वीडियो में कितनी लेयर्स यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे आप अगर बिल्कुल हैवी एडिटर हो और आप बहुत सारे लेयर्स यूज़ करते हो अपनी एडिटिंग पे, तो आपको काइन मास्टर के साथ जाना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि काइन मास्टर आपको अनलिमिटेड लेयर्स का ऑप्शन देता है। वही अगर आप वीटा में देखेंगे तो आप वीटा में मैक्सिमम 3 लेयर्स ही यूज़ कर पाएंगे, यानी आपकी एक ए लेयर जो मेन लेयर होती है और जो सेकेंडरी लेयर्स होती है वो सिर्फ आप 3 ही ऐड कर सकते हो, तो ये बात ध्यान रखिए बिल्कुल। अगर पावर डायरेक्टर की बात करें तो उसमें भी आप मैक्सिमम 3 यूज़ कर सकते हो फ्री के लिए, और अगर आप पे करो तो फिर आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ फिल्मोरा गो में भी आप 5 लेयर ऐड कर सकते हो, और अगर आप पे करो तो फिर आप आगे अनलिमिटेड लेयर्स ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको फ्री में बहुत सारी लेयर्स ऐड करनी है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर काइन मास्टर। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिशंस पे। तो जैसे अगर आपकी कोई टेक्निकल वीडियो है या कोई और वीडियो है, उसमें तो आपको ज़्यादा ट्रांजिशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप अगर गेमर है या फिर ब्लॉगर है या फिर आपको सिनेमेटिक कुछ ट्रांजिशंस देने हैं, तो फिर आपको काइन मास्टर कोई भी यूज़ का नहीं है। काइन मास्टर में बिल्कुल सिंपल से ट्रांजिशन है, और वो कब से सालों साल से वही चलते आ रहे हैं, मतलब उसमें कोई भी अभी तक अपडेट नहीं है जिसमें हो गया क्रॉस फेड या फिर जूम इन जूम आउट। तो ये बिल्कुल बेसिक से
आपको ट्रांजिशंस यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन वही अगर आप वीटा में, पावर डायरेक्टर में और फिल्मोरा गो में देखेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे और थोड़े से एडवांस लेवल के आपको ट्रांजिशंस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको बिल्कुल हेवी ट्रांजिशंस चाहिए, बिल्कुल एकदम ऐसे सिनेमैटिक वाले, तो यू शुड डेफिनेटली गो विथ पावर डायरेक्टर या फिर वीटा या फिर फिल्मोरा गो। लेकिन उसमें भी मैं कहूँगा कि आप यू शुड ट्राई पावर डायरेक्टर, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के आपको सिनेमैटिक इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस देखने मिलेंगे। तो अभी सिमिलरली बात करते हैं टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट में भी आप अगर देखें तो काइन मास्टर में बिल्कुल बेसिक से आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको पूरा एडिट खुद को ही करना पड़ेगा, यानी जो उसका आउटलाइन है या फिर जो भी उसका ओवरले है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से चेंज करनी पड़ेंगी। आपको कोई भी जो प्रीसेट होता है जो पहले से उसमें दिया हुआ है, ऐसा कोई भी आपको ऑप्शन काइन मास्टर में नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वो भी चाहिए और एनिमेशंस के साथ टेक्स्ट चाहिए तो आप वीटा ज़रूर ट्राई करें। वीटा में बहुत से एनिमेटेड टेक्स्ट ऑप्शंस है। उसी के साथ फिल्मोरा गो में जो फिल्मोरा 10 है या फिर फिल्मोरा 9 है, जो पीसी यूजर्स है उनको पता होगा, तो उसके जो कुछ कुछ टेक्स्ट एनिमेटेड टेक्स्ट ऑप्शन है वो हमें फिल्मोरा गो में भी मिल जाते हैं, तो वो काफ़ी सही रहेगा। तो अभी इतनी आपने पूरी एडिटिंग कर ली, मेहनत करके दिन रात एक करके आपने इतनी हेवी एडिटिंग कर ली, और अभी आप चाहते हो इसको एक्सपोर्ट करना, लेकिन एक्सपोर्ट करने के टाइम आपको एक प्रॉब्लम आएगी, वो है वाटरमार्क। तो वाटरमार्क इन चारों में से सभी में आता है सिर्फ वीटा को छोड़ के। तो वीटा में आप सेटिंग्स में जाके वाटरमार्क को ऑफ कर सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर वाटरमार्क ऑफ ही रखना था तो फिर ऐसा मतलब मैन्युअली सेटिंग में जाके उल्टा सुलटा क्यों करने का, डायरेक्ट बंद ही रख देने का ना। तो सिर्फ वीटा छोड़ के फिल्मोरा गो, काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर, इन तीनों में आपको वाटरमार्क आएगा। लेकिन वो हटाने के लिए भी मेरे पास एक प्रो टिप है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो बने रहिएगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं ऑडियो एडिट ऑप्शंस की। तो जैसे हमें कई बार वीडियो एडिट के साथ साथ जो ऑडियो है उन्हें भी हमें कोई इफेक्ट्स देने पड़ते हैं, जैसे रिवर्ब हो गया, इको हो गया, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स जो हमें देने होते हैं वीडियो में, तो वो किस किस में अवेलेबल है और किस में नहीं है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले काइन मास्टर की बात करते हैं, तो अगर ऑडियो में आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी है, जैसे आपको पिच हाई या लो करनी है या फिर अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करना है या और कोई ऑप्शन आपको चाहिए, फेड इन फेड आउट वो तो बेसिक आ ही गया, तो आप वहाँ पे काइन मास्टर में ये कर सकते हैं। तो काइन मास्टर में आप देखेंगे तो आपको सारे जो एडवांस ऑप्शंस है ऑडियो एडिट करने के वो मिल जाएंगे। वीटा में आपको सिर्फ वॉल्यूम, फेड इन फेड आउट ये ऑप्शन ही मिलेंगे, तो वीटा में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है आपके पास ऑडियो के। उसी के साथ साथ अगर आप पावर डायरेक्टर में देखें तो वहाँ पे थोड़े बहुत इफेक्ट्स तो अवेलेबल है, लेकिन बेस या फिर पिच चेंज करना या फिर ट्रेबल को हाई या लो करना वो ऑप्शंस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ अगर फिल्मोरा गो भी आप देखें तो उसमें भी बस आपको वॉल्यूम और फेड इन फेड आउट का ही ऑप्शन मिलेगा, उसमें कोई भी आपको स्पेशल इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इन ऐप कैमरा ऑप्शन की। तो मेरा इन ऐप कैमरा से मतलब क्या है कि आप सोचो अगर आप पूरी वीडियो शूट कर लो और बीच में आपको याद आ जाए, अरे यार ये डायलॉग बोलना तो मैं भूल ही गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हम अगर कोई न्यू वीडियो एडिट कर भी ले तो फिर वो कहीं पे घूम हो जाती है पूरे हमारे मोबाइल के अंदर और फिर वो मिल नहीं पाती जल्दी से, हमारा टाइम पूरा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए इन ऐप कैमरा का मतलब है कि हम सीधा अपने वीडियो एडिटर के अंदर ही उसका ही कैमरा यूज करके हम वीडियो शूट करके वहीं के वहीं पे उसे टाइमलाइन में अपलोड कर सकते हैं। कहीं पे भी बाहर जाने की या फिर हमारा जो मोबाइल का स्टॉक कैमरा ऐप है उसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वीटा में ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन काइन मास्टर में, पावर डायरेक्टर और फिल्मोरा गो में, इन तीनों में हमें इन ऐप कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। अभी इन ऐप कैमरा की तरह हमारा सेकंड फैक्टर है इन ऐप वॉइस ओवर। इन ऐप वॉइस ओवर मतलब अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने बनाई है या फिर कोई इमेज अपलोड करी है जिसके ऊपर आपको वॉइस देनी है अपनी, तो वो आप किस किस ऐप में कर सकते हो। वॉइस ओवर देने का ऑप्शन हमें इन चारों ऐप्स में मिल जाता है, तो आप कोई भी ऐप इसमें यूज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड ब्लर का। बैकग्राउंड ब्लर का मतलब होता है कि अगर आप मान लो आपने वीडियो एडिट करी है 16:9 में, लेकिन आपकी जो दूसरी वीडियो है जो आपने एक्चुअल में शूट करी है वो है 9:16 में, यानी वर्टिकल में, तो क्या होगा कि आपकी जो वीडियो है उसी का एक ब्लर बैकग्राउंड लेयर आपके बैकग्राउंड में चला जाएगा और वो उसी के साथ चलते रहेगा। तो ये ऑप्शन आपको सिर्फ वीटा में मिलेगा। अगर आप काइन मास्टर में या फिर पावर डायरेक्टर में ये करने जाएंगे तो आपको वो मैन्युअली करना पड़ेगा, पहले ए लेयर में जाके फिर उसको ब्लर करो, फिर उसके ऊपर बी लेयर ऐड करो, तो ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन चाहिए, जो कि हम इंस्टाग्राम पे रील्स में ये सारे फीचर्स में हम ये ऐप का ऑप्शन देखते रहते हैं, तो उसके लिए आपको वीटा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्टली बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है।
तो पूरी वीडियो तो हमारी एडिट हो ही चुकी है, अभी फाइनल बात करते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी की। तो काइनमास्टर में जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी डिपेंड करती है आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के ऊपर। जैसे आप जैसे ही फर्स्ट टाइम काइनमास्टर डाउनलोड करोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा जो कि है हार्डवेयर एनालिसिस। तो जैसे मैंने अपने 8GB वाले रैम के फ़ोन पे किया था जिसमें स्नैपड्रैगन 888 वाला जो प्रोसेसर है वो है उसमें, तो उसके ऊपर मुझे जो परफॉर्मेंस मिला वो था 1440p तक, यानी 1440 पिक्सल्स तक मैं अपनी वीडियो एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो हार्डवेयर एनालिसिस आपको रन करने के बाद आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस पता चलेगी। उसी के साथ अगर वीटा की बात करें तो वीटा में हमें 1080p तक का ऑप्शन मिल जाता है जो कि है फुल HD। पावर डायरेक्टर में एक अच्छी बात है कि वो 4K तक वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पेड यूज़र्स के लिए। अगर आप पेड यूज़र नहीं हो, अगर आप फ्री में यूज़ कर रहे हो जिसमें वाटरमार्क आएगा ऑफकोर्स, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो 720p तक ही, यानी होता है वो HD। तो 720p तक ही आप पावर डायरेक्टर में एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिल्मोरा गो की बात करें तो फिल्मोरा में भी सेम, आप फ्री यूज़र हो तो आप 720p तक एक्सपोर्ट कर सकते हो, और अगर आप पेड उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप 1080p फुल HD तक आपकी वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अभी ये सारे फैक्टर्स के बाद एक ही फैक्टर बचता है जो कि है प्राइस। तो इन सारे वीडियो एडिटर्स की प्राइस की बात करें तो सबसे पहले काइनमास्टर जो है, काइनमास्टर आपको मिलेगा 249 पर मंथ में। जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो मिलेगा 1299, यानी 1300 रुपये की कीमत पर। जो वीटा ऐप है वो कम्प्लीटली फ्री ऐप है, उसमें आप मैंने जैसे बताया आप डायरेक्टली उसमें जाके सेटिंग्स में जाके उसकी वाटरमार्क जो ऑप्शन है वो आप ऑफ कर सकते हो, तो वीटा फ्री है। तो फिल्मोरा गो का मंथली सब्सक्रिप्शन जो है 110 रुपये, यानी 110 रुपीज़, लेकिन सेकेंड मंथ से वो हो जाएगा डबल से भी ज़्यादा, यानी 260 रुपीज़ मंथली। अगर इसके ईयरली सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये हमें मिलेगा 1750, यानी 1750 में ईयरली। और अगर आप इसका लाइफ टाइम लाइसेंस परचेस करना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा 2600, यानी 2600 रुपीज़ में। यार अभी हमने सारे जो एडिटर्स थे वो देख लिए, अभी इसमें से सबसे बेस्ट वाला कौन सा चूज़ करें? तो अगर मैं अपनी बात करूँ, मतलब इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप भी यही यूज़ करो, लेकिन अगर मुझे कोई यूज़ करना है वीडियो एडिटर एडिट करने के लिए मोबाइल पर, तो दैट इज़ गोइंग टू बी काइनमास्टर। अभी उसके रीजंस क्या है? काइनमास्टर का जो मंथली चार्ज है 249 रुपीज़, वो बाकी सबके मुकाबले बहुत कम है। बाकी के अगर हम ऐप्स देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। सेकेंड थिंग, मुझे ज़्यादा ट्रांजिशंस की वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको तो पता है कि हम डायरेक्टली ट्रांजिशंस करते, तो हमें ज़्यादा कोई वो ऐसे सिनेमेटिक वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। थर्ड थिंग, मुझे ज़्यादा टेक्स्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप देख सकते हो कहीं पे भी कोई भी टेक्स्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ लास्ट में आएगा एंड स्क्रीन पे, तो टेक्स्ट की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओनली थिंग इज़ आई कैन एक्सपोर्ट टिल 1440 पिक्सल्स, तो वो एक अच्छी बात है। और एक अच्छी बात ये है कि मुझे बहुत बार वॉइस ओवर्स करने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं कोई ऐप का ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो उसमें मुझे डेफिनेटली वॉइस ओवर ही करना पड़ता है, तो उसके लिए काइनमास्टर इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। तो अगर ये सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखते हुए देखें तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर काइनमास्टर। लेकिन इसी के साथ अगर पावर डायरेक्टर का थोड़ा सा प्राइस कम हो जाए, या फिर कोई जैसे क्रिसमस ऑफर होते हैं, दिवाली ऑफर होते हैं, जैसे मैंने देखे थे 2-3 महीने पहले, तो अगर उस ऑफर में आपको अगर सस्ते में पावर डायरेक्टर मिल रहा है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर पावर डायरेक्टर। इट्स टाइम फॉर प्रो टिप गाइज। तो प्रो टिप ये है कि अगर आपको काइनमास्टर में एडिटिंग करनी है तो आप सिंपली जैसे आप अपनी एडिटिंग स्टाइल है उस हिसाब से आप पूरी एडिटिंग कर लीजिए काइनमास्टर में। लेकिन यहाँ पे आपको छोटा सा एक ऑप्शन लेना है, वो है कि आपको जो नॉर्मल 16:9 होता है उसके जगह आपको 21:9, यानी जो सिनेमा वाला एस्पेक्ट रेशियो है वो सिलेक्ट करना है। क्या होगा कि जो काइनमास्टर का लोगो आता है राइट साइड में वो एक ब्लैंक जगह पे चला जाएगा। तो इसके बाद सिंपली आप कोई भी प्ले स्टोर से एक वीडियो क्रॉपर करके जो ऐप होता है वो डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें आप सिंपली अपना 16:9 वाला एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करके उसको क्रॉप कर लीजिए। तो इससे आपकी फ्री में एडिटिंग भी हो जाएगी काइनमास्टर में, और वो जो वाटरमार्क है वो भी आपको नहीं दिखेगा। तो बस भाई दुआ करो भगवान के पास कि काइनमास्टर वाले ये वीडियो ना देखे, नहीं तो आपके वीडियो के बीच में भी बड़ा सा वाटरमार्क डाल देंगे। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।